इंदौर शहर भले ही अनलॉक हो गया हो और सड़कों बाजारों दोबारा में उनमें हलचल आ गई हो, लेकिन नियमों की धज्जियां लगातार उड़ रही है और कलेक्टर के आदेश की अवहेलना करने में भी जनता और व्यापारी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जेल रोड क्षेत्र में व्यापारियों पर रहवासियों ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल बाजार के लिए प्रसिद्ध जेल रोड बाजार शर्तों और नियमों के तहत खुल तो गया है, लेकिन यहाँ व्यापारियों की मनमानी के चलते रहवासी काफी परेशान हैं। एक तरफ लोग जहाँ बाजार में आने वाले ग्राहकों के वाहनों से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन से सख्ती रखने की फिर से गुजारिश की जा रही है। कलेक्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार से 3 महीने के अंदर कलेक्टर साहब ने जिस प्रकार से सख्ती करके लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करवाया है, धीरे धीरे एक एक बाजार को खोलने की परमिशन दी है ऑनिंग मन के हिसाब से कि एक दिन एक शटर खुलेगा, दूसरे दिन दूसरा शटर खुलेगा, और उसके बाद भी इनको होलसेल की परमिशन दी है कि आप आपकी दुकान खोलिए, आप माल जो है ट्रांसपोर्ट में डाल सकते हैं। पर यहाँ तो एक एक ग्राहक को बुलाया जा रहा है, जेल रोड की सभी दुकानें चालू हो चुकी है, उनके एसोसिएशन की बात भी उनके व्यापारी नहीं मान रहे हैं। माननीय राजकुमार शर्मा जी से भी हमने बात करने की कोशिश करी, उनने भी यही बोला कि हमने हमारे व्यापारी को समझा रहे हैं, लेकिन जेल रोड का जो मेन रोड है जहाँ पार्किंग होना चाहिए गाड़ी की, वो रोड को इनने रस्सी बांध के बंद कर दिया गया है, और जितनी व्यापारी और ग्राहकों की जो गाड़ियाँ हैं ये पूरे रहवासी क्षेत्र के अंदर खड़ी हो गई है। यदि हमको यदि घर से निकलना भी हो तो बगैर टच हुए या बगैर हॉर्न सुने या बगैर परेशान होकर हम यहाँ से गली में से भी नहीं निकल सकते, तो ऐसा नहीं हो कि गली के अंदर कोरोना फैल जाए तो पता चलेगा पूरा मार्केट ही बंद हो गया 14 दिन के। तो हमारा कलेक्टर महोदय से, CSP SP साहब से, नगर निगम के माध्यम से हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी समस्या को सुनी जाए, नहीं तो ये बहुत बड़ी विकट स्थिति खड़ी हो जाए। तो यानी कि मतलब कलेक्टर के आदेश की अवहेलना हो रही है एक तरह से यहाँ पर। एक तरह से देखा जाए तो उनके आदेश की अवहेलना, उनने इतनी सख्ती करी रात दिन जग के, उनने इतना समय इंदौर को दिया है, इंदौर के लिए उनने तपस्या करी है, लेकिन ये सब फेल होती दिख रही है। ये कौन सा क्षेत्र है जहाँ आप रहते हैं और ये परेशानी आ रही है? ये नावेल्टी मार्केट के पीछे का लोधी मोहल्ला क्षेत्र है, यहाँ पूरी गाड़ियों की अवैध पार्किंग। परिवार रहते होंगे लगभग यहाँ? 400 परिवार रहते हैं, सभी कोई एक ही पीड़ा है, व्यापार सबका चालू है, लेकिन पार्किंग गली के अंदर नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है और कोई सोशल डिस्टेंसिंग, आप खुद ही देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ हो रही है। हम हमारी गली के अंदर मास्क पहन के बैठे हैं, लेकिन जितने दुकानदार दुकान के अंदर बैठे हैं सबने मास्क निकाला हुआ है। एक एक दुकान के अंदर 6-8 आदमी बैठे हुए हैं, उनके 6-6 नौकर हैं, सबकी 5-5 गाड़ियाँ हैं, आप देखिए ना। आप निगम वाले कोई नहीं आते हैं यहाँ पर? नहीं, निगम की गाड़ियाँ, जेडो साहब की गाड़ियाँ घूमती हैं, लेकिन वो कितनी दुकानों पे ध्यान देगी, गलियों में गाड़ियाँ ही नहीं आ पाएंगी उनकी। हम खुद हमारी कार गली के अंदर नहीं ला पा रहे, मेरी खुद की भाभी को लेकर रोड पे बैठा है मेरा भतीजा। कल इनकी विशेष क्या चाहते हैं? क्या हम ये चाहते हैं बाजार खुले, सुचारू रूप से खुले, लेकिन गलियों के अंदर पार्किंग नहीं हो, डिस्टेंसिंग का पालन तो हो कम से कम। दुकान इनकी खुल रही है लेकिन परेशान पूरा मोहल्ला हो। 50 से ज्यादा हुआ है अभी कोरोना की महामारी में, जो आपके घरों पे समस्या आ रही है यहाँ पर। हमको यहाँ से जाना आना मुसीबत हो रही है, लोग गाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं, हमको बहुत मुसीबत होती है। आपको पता है कलेक्टर का आदेश है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, तमाम तरह के नियम है। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर क्या लग रहा है? नहीं होता, जो आता है वहाँ गाड़ियाँ लगाता है चला जाता है घर के सामने। आपने विरोध किया इसका? बोला है तो 5 मिनट में आ रहे हैं, 5 मिनट के 15। कौन जिम्मेदार है इन गाड़ियों के लगती है? लगाने वाले जिम्मेदार है ना, उन्होंने नहीं। क्या कारण है गाड़ियाँ यहाँ क्यों लगती है? जाने आने में दुकानदार है, मार्केट है इसलिए। क्या कहना चाहेंगे अभी आप प्रशासन को? गाड़ियाँ मत लगाना, बहुत सारी समस्या, पार्किंग हो जाती है, हम लोग निकल नहीं पाते घर से बाहर, हमारी गाड़ी निकालने में हमको दिक्कत हो जाती है गेट के सामने। पार्किंग की वजह से जिसके भी घर के सामने लगाएंगे उसको समस्या तो क्यों लगती है गाड़ियाँ? क्या कारण हुआ? दुकाने हैं, रहवासी क्षेत्र है ये, और रहवासी क्षेत्र में दुकानें खुल गई है तो दुकानदारों को तो सोशल डिस्टेंसिंग और मतलब एक यहाँ पर ग्राहकी करने का वो है नहीं, आदेश ही नहीं है। हाँ, फिर भी दुकानें तो खुल रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? पालन करवाया जाए इसका, और क्या कह सकते हैं? निगम वाले नहीं आते क्या? आते हैं निगम वाले, पर वो तो कुछ समय के लिए आते हैं ना। कार्रवाई नहीं होती है मतलब? कार्रवाई होती है, लेकिन जो जिस समय वो आएंगे उसी समय दिखेगा तब वो कार्रवाई करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप मीडिया के माध्यम से? यही कि और थोड़ा ध्यान रखा जाएगा।